हजारीबाग विभावी में अराजकता व्याप्त है। जब से मुकुल नारायण देव ने कुलपति का पदभार ग्रहण किया है, तब से शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। इनके कार्यकाल में झामुमो कार्यकर्ताओं पर दो बार FIR होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बातें झामुमो के केंद्रीय शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कमलनयन सिंह ने गुरु गोविंद सिंह रोड स्थित फ्रेंच बीन रेस्टोरेंट में मंगलवार को प्रेस वार्ता में कही है। उन्होंने कहा कि विभावी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 4 दिनों तक आंदोलन चलता रहा, फिर भी कुलपति ने छात्र नेताओं से बात करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि कुलपति ने एक अखबार को इंटरव्यू के माध्यम से झामुमो के दो बड़े नेताओं पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। यह कुलपति के दिमागी दिवालियापन का घोतक है। झामुमो के जिलाध्यक्ष शंभूलाल यादव ने कहा कि जब से कुलपति ने कार्यभार संभाला है, तब से विश्वविद्यालय की स्थिति बद से बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि हमारी जायज मांगों को अगर कुलपति जल्द पूरा नहीं करती है तो इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि JPSC द्वारा भेजे गए FO और परीक्षा नियंत्रक का अब तक नियुक्ति नहीं करवाना विश्वविद्यालय प्रशासन पर प्रश्न खड़ा करता है। उन्होंने ACB से इस मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल को विश्वविद्यालय के बारे में सारी बातों को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुलपति के योगदान के मात्र 100 माह के अंदर 20 से अधिक छात्र आंदोलन हुए हैं। कुलपति पर 20 मामले में गंभीर आरोप लगाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंदन कुमार, अख्तर हाशमी, संजय कुमार राय आदि उपस्थित थे। हजारीबाग से सागर की रिपोर्ट। प्रेस ब्रीफिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय से संबंधित है। अभी पिछले कुछ महीनों से हम लोग का जो छात्र मोर्चा है, झारखंड छात्र मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हम लोगों ने वहाँ जो वित्तीय अनियमितताएँ हो रही है, प्रशासनिक अनियमितताएँ हो रही हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। और वहाँ के वाइस चांसलर ने, वहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारे छात्रों के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया है, विभिन्न अखबारों में अनर्गल और झूठा बयान दिया है। ये उसके खिलाफ हम लोगों की बैठक है, ये उसके खिलाफ हम लोगों की मुहिम है। क्या कुछ मांग कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति है आपकी, रणनीति क्या है, आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे हम लोग सरकार से और महामहिम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि ACB की जांच कर, एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच इन पर तुरंत अविलंब की जाए, और जब तक जांच पूरी नहीं हो इनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया जाए। अगर ये मांगे हमारी नहीं मानी गई तो हम पुनः आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या कुछ आरोप है, क्या कुछ मांगे हैं? हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो विश्वविद्यालय में जो वर्षों से जमे हुए पदाधिकारी हैं, 10 साल, 15 साल, 12 साल से जमे हुए एक ही पद पर पदाधिकारी हैं, उनको अविलंब वहाँ से विधिमित किया जाए, दूसरे योग्य पदाधिकारियों को दिया जाए। शिक्षकेतर कर्मचारियों की भी मांग है। उसके बाद हमारे जो वहाँ छात्र हैं, विभिन्न संकायों में छात्र हैं, किन्हीं संकायों में शिक्षक की घोर कमी हो गई है, शिक्षक नहीं हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सेमेस्टर पूरा नहीं हुआ है, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, और इस तरह उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये हमारी मांग है कि उसको तुरंत योग्य शिक्षकों की बहाली की जाए और उनकी